सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यासिका कुकिंग सुकिंग में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर पारे की सुपर टेस्टी रेसिपी। तो ये मटर पारे आप एक बार बनाकर महीनों के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो, बहुत ही आसान है इनको बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मटर पारे बनाने के लिए 300 ग्राम मैदा ले ली है, और 300 ग्राम मैदा में हम यहाँ पर आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1.5 से 2 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन जो हम घी डालेंगे मोइन में, तो घी से क्या होता है हमारी चीज़ें ज़्यादा खस्ता बनती है, और ऑयल डालने से कुछ कम खस्ता बनती है। तो फिर हम इन सभी चीज़ों को बड़े ही अच्छे से तरीके से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर नॉर्मल ठंडा पानी लेंगे और इसका बढ़िया सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका बढ़िया सा आटा लगा के तैयार करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है आटा लग के तैयार हो चुका है। अब हमें ये कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो किसी कपड़े से कवर करेंगे और 30-40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 30-40 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। एक बार फिर से हम इसको हल्का सा गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चकला ले लिया है और इसको हल्का सा हमने फिर से गूंथ लिया है। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी मथाई से ही काम बन जाएगा। अब हम इसे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। और ये मैंने यहाँ पर एक पेड़ा ले लिया है। अब हमें इसकी कोई ज़्यादा पेड़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसको बेल के तैयार करना है। एक बढ़िया सी रोटी बना के हम इसकी तैयार कर लेंगे। अब हम इसके मटर पारे बनाना शुरू करते हैं। रोटी आप जितना हो सके पतला करके ही बेलिए, ज़्यादा मोटी ना बेलिए यहाँ पे। तो फिर हम इसमें कट लगाएंगे मटर पारे बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर लगभग मैं आधा इंच से भी कम इनकी चौड़ाई रख रही हूँ, और 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इनकी लंबाई रखूँगी। तो ये हमारा एक बैच बनके तैयार हो चुका है, और जो इसकी ये रफ साइड हैं, अगर आप निकालना चाहते हो तो इनको निकाल सकते हैं। तो तैयार है यहाँ पर हमारा एक बैच, इनको हम उतार लेते हैं एक प्लेट में। अब इन मटर पारों को आप किस तरह से भी प्लेट में रख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। और इनको फ्राई करने के लिए स्टार्टिंग में हमें तेल बहुत अच्छा गर्म चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई किया हुआ है, और ये सारे मटर पारे इसमें हम आराम से डाल देंगे। तो इनको डालने के बाद जब आप देखोगे जो मटर पारे हैं हमारे तैर के ऊपर आने लगे हैं, तब आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दोगे, नहीं तो जो आपके मटर पारे हैं वो जल जाएंगे और अंदर तक जाके अच्छे से नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है मटर पारे हमारे अच्छे से ऊपर को तैर के आने लगे हैं। अब हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, और इनको सीखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप 5 से 6 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखे और इनको सेक के तैयार कर ले। तो इनको बीच बीच में एक दो बार आप चलाते रहे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये आधे से ज़्यादा हमारे जो मटर पारे हैं वो सीख के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हल्का सा इनका कलर चेंज हो चुका है, आप देखिएगा। तो अब आप इनको निकाल लीजिए। दूसरा बैच मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो दूसरा बैच भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे सेक के। तो स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पे मटर पारे डालेंगे, तब आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है, और बाद में लो करके इनको अच्छे से सेक देना है। आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।